हम रत्ती गली झील जा रहे हैं। आज आपको उसकी खूबसूरती दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पे उसके रास्ते में बैठे हैं और कॉल की है झील जीप वाले को, वो यहाँ से हमें पिक करेगा और हम आगे जाएंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह झील पे। आखिर हम यहाँ रत्ती गली पहुँच आए हैं जहाँ तक जीप आती हैं। यहाँ से फिर हम 2 किलोमीटर का ट्रैक है, फिर रत्ती गली झील आती है। तो यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो चिल कर रहे हैं। वो हमारे शाह साहब, ये हमारे मौज़म साहब पप्पू, ठीक है, तस्वीरें छस्वीरें बना रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह रत्ती गली झील पर। हम रत्ती गली बेस कैंप से जहाँ हमारी जीप खड़ी थी वहाँ से जो है हाइक करके हम दरमियान में पहुँच चुके हैं। बारिश हो रही है और ट्रैक जो है गीला हुआ हुआ है, स्लिपरी है और बहुत सांस जो है ना चढ़ गई। ये जो अरंगकेल की हाइक है उससे भी जो है ना मुश्किल है थोड़ी सी। 2 किलोमीटर की हाइक है, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं इतना हाइक शाइक नहीं करते उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह रत्ती गली झील। डेढ़ घंटे की हाइक करके बिलाखिर रत्ती गली झील पहुंच ही गए और मैं कहता हूँ पैसे पूरे हो गए। इतने मज़े के सीन्स हैं और इतनी अच्छी आबो हवा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है और वो भी गर्मियों में, मतलब अगस्त के महीने में। तो तकरीबन डेढ़ घंटे की हाइक थी
दरमियान में जो है ना कुछ हम डगमगाए कि नहीं जाना चाहिए, बहुत लोगों ने डीमोटिवेट किया कि ऊपर बारिश हो रही है, स्लिपरी जगह है, लेकिन हमने कहा नहीं, अब आए हैं तो जाना ज़रूर है। तो बिलाखिर हम पहुंच गए। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रती गली झील है और इतनी खूबसूरत झील है, मज़ा आ गया जो है ना यहाँ पे, और मज़े की हवा है। 6 या 7 डिग्री सेल्सियस जो है ना यहाँ का टेम्परेचर है और बहुत ठंडी हवा है। देखें पीछे बर्फ़ जमी हुई है। और ये जो झील है ये सिर्फ जो है 5 महीने ओपन होती है, मतलब जून से लेकर अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद जो है यहाँ पे जो है ना बर्फ़बारी होने शुरू हो जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। मैंने एक दफ़ा देखा था दिसंबर में, यहाँ पे -18 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना टेम्परेचर जाता है, इतना कम। तो बहुत मज़े की झील है। अगर आप कश्मीर आते हैं तो यहाँ पर लाजमी आए, यहाँ पर जो है ना लाजमी आए। हम शारदा भी गए, केरन भी गए, उसके बाद जो है ना अरंगकेल भी गए, ठीक है। वहाँ इतने वो भी खूबसूरत है, लेकिन सबसे खूबसूरत जो कश्मीर की अभी तक मुझे लगी है ना, वो ये रती गली झील है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ ज़रूर आए। और जो रास्ता है इसका, तकरीबन जो जीप का ट्रैक है दवारियाँ से लेकर पीछे जहाँ पे कैंपिंग होती है, वो तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं। उसके बाद जो है ना 1.5 घंटे की आगे हाइक है। तो जब जीप पे सफ़र करते हैं तो वो भी इतने अच्छी ऊपर नदी नाले, इतने अच्छे सीन्स होते हैं कि बहुत बंदा इंजॉय करता है। तो उम्मीद है आपको ये व्यूज़ अच्छे लगेंगे। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे रती गली झील ज़रूर आएँ।